गुड मॉर्निंग। सो आप जैसे कि देख सकते हैं हम वाइजैक आ गए हैं और अभी जस्ट आए हैं। जस्ट इन द सेंस 2 आवर्स हमें हो गए हैं, लगभग 10 बज गया था हमें और अभी बज रहे हैं 11:30 या 12:15 के आसपास हो रहे हैं। और आते ही फटाफट से मैंने शार लिया है क्योंकि इतना ज्यादा हेडेक हो रहा था ना कि क्या ही बताओ। और कल हमने नहाया भी नहीं। धनबाद में एक्चुअली हमने सोचा था कमरे वगैरह ले लेंगे जैसा कि हम हर टाइम करते हैं, बट कल पता नहीं क्यों धनबाद में कुछ भी खाली नहीं था। इनफैक्ट जो रेलवे स्टेशन पे रेस्ट रूम्स होते हैं वो भी खाली नहीं थे, तो हमने लिटरली पूरा टाइम जो है वो वेटिंग एरिया में ही बिताया है। एंड थोड़ा बहुत हम नाश्ता करने के लिए बाहर निकले थे, उसके बाद फिर हमारी ट्रेन थी 11 बजे। और खाना वगैरह तो ठीक ठाक ही था क्योंकि घर से ही मैं पराठा और पनीर भुर्जी लेके निकली थी, फिर वो हमारा रात को हो गया। देन मॉर्निंग में हमने बाहर ब्रेकफास्ट कर लिया, पूड़ी छोला वगैरह। और दोपहर में मम्मी जो मेरी है, क्योंकि रांची में 10 मिनट का स्टॉपेज रहता है वो वाला ट्रेन धनबाद एलेप्पी, तो वहां पे मम्मी ने रात का और दोपहर का दोनों का खाना भेज दिया था। एंड तो खाने पीने का तो टेंशन नहीं था, बट जो अगर आप नहीं नहाओ ना तो अजीब सा लगता है, इसलिए आते ही सबसे पहले मैंने शार लिया है। और घर की हालत बताओ तो घर ऑलरेडी क्लीन है। मेरी ये हमेशा से आदत रहती है कि जब भी मैं कहीं बाहर जाऊं तो सब कुछ मैं क्लीन करके जाऊं, ऐसा नहीं कि आप गंदा करके जाओ। अगर आप सब कुछ क्लीन करके जाओगे ना तो जैसे ही घर के अंदर घुसोगे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपका दिमाग खराब नहीं होगा एंड साथ ही साथ आपको इंस्टेंट कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आप देख सकते हो फ्लोर वगैरह सब कुछ क्लीन है मेरा, ये देखिए सब कुछ क्लीन है। नीचे अभी तक मैंने कुछ सफाई नहीं की है, यहाँ पर अभी मैंने आके सारे सामान वगैरह रखे हैं और कुछ भी धूल वगैरह नहीं है, आप देख सकते हो। बस बालकनी खराब हो जाती है क्योंकि वो बाहर रहती है। देखिए बालकनी की हालत कुछ ऐसी है। और ये रहा मेरा फेवरेट नजारा मेरे घर से। गाइस जितने भी दिन हम बाहर थे ना, घर गए थे, उतने दिन ना यहाँ पे बहुत बारिश हुई है। सो लकीली उसके कारण भी धूल इकट्ठा नहीं है क्योंकि बारिश में ना हवा चलती नहीं है, इसलिए बस बालकनी गंदा है और बाकी सब कुछ साफ है। सो अभी जस्ट शार वगैरह मैंने ले लिया है और बहुत तेज चाय की तलब मच रही है। सो भूख भी लगी है, बट अभी प्रिंस और रितविन भी ऑलरेडी नहा चुके हैं, दोनों बाहर गए हैं दूध वगैरह लाने के लिए ताकि हम चाय बना पाए। और चाय ब्रेड हम कुछ खा लेंगे, बनाना वगैरह है हमारे पास, और दोपहर का खाना खाएंगे डायरेक्टली क्योंकि 12 बज ही गए हैं। सो दाल चावल आलू का भुजिया और अचार, यही मेरा खाने का मन है। सो लेट्स सी। वैसे मेरी फ्रेंड है श्वेता, उन्होंने पूछा था कि कुछ चाहिए होगा तो ब्रेकफास्ट वगैरह बना दे, बट हम पहुंच ही इतने और टाइम में रहे थे ना कि समझ में नहीं आ रहा था और बहुत ज्यादा मन भी नहीं कर रहा था खाने का क्योंकि घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और मैंने परसों सुबह बात लिया था, उसके बाद आपको पता ही है घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो तो सीमेंट बालू धूल वगैरह जो है ना सब जगह चिपक जाते हैं। फिर वहां से अब ट्रेन से निकले, कल हम कुछ नहा वहा नहीं पाए तो बहुत ही ज्यादा ऐसे कचकच लग रहा था। तो अभी मैंने नहा लिया, ऐसे बहुत ही शांति लग रही है। अब आराम से चाय पियेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। और किचन की भी हालत बहुत खराब नहीं है, मतलब क्लीन ही है सब कुछ। ये बाहर था तो इसे फिर से वॉश करेंगे क्योंकि ये गीला था ना, लास्ट मोमेंट पे वॉश हुआ था, कबर्ड में रखने से फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाता। और फिल्टर का पानी मैंने पूरा निकाल दिया है क्योंकि पुराना पानी फिर हम यूज नहीं कर पाएंगे ना क्योंकि वो खराब लगता है, तो पूरा मैंने फिल्टर खाली कर लिया, अभी वो फिर से फिलअप हो रहा है। सो यस यही सब चल रहा है। और बहुत सारे पार्सल आप देख सकते हो इकट्ठा है, तो उसे भी आराम से खोलेंगे, सबसे पहले चाय बना लेते हैं, देखते हैं ये लोग कब आएंगे दूध लेके, उसके बाद सबसे पहले चाय पियेंगे। सबसे पहले ये बनाना खा लेती हूँ क्योंकि खाली पेट चाय पीना अच्छा नहीं रहेगा और अभी ये दूध लेके आए भी नहीं है तो गैप भी हो जाएगा। सो पहले ये खा लेते हैं। और मुझे ये ना छोटे वाले केले बहुत ज्यादा पसंद है, इसे चीनिया केला ऐसा कुछ बोलते हैं। सो ये मुझे काफी अच्छे लगते हैं, मीठा मीठा, पूजा में ये सब चढ़ता है। ओके गाइस, सो पार्सल वगैरह मैंने ओपन कर लिया है, रितविन एकदम पीछे ही पड़ गया था, खोलो खोलो उसे ना, मतलब जो भी पार्सल वगैरह खोलने में बड़ा ही मजा आता है। सो ये देखिए ये सब चीजें यहाँ पे थी, एक्चुअली इनमें से कुछ चीजें मैंने मंगाई हैं और कुछ चीजें कोलैबोरेशन के लिए आई हैं तो उनका रिव्यू मुझे शेयर करना है इंस्टाग्राम में मोस्टली, यूट्यूब में तो बहुत ज्यादा मैं करती नहीं हूँ प्रमोशन वगैरह। सो अगर आप इन सब का रिव्यू चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एंड यस यही सब चीजें थी। ये जो मॉइस्चराइजर है ना सेटाफिल का, ये बहुत ही बढ़िया है, विंटर के लिए तो काफी अच्छा, और ये फेस वॉश भी काफी जेंटल, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप यूज कर सकते हैं। और ये भी एक फेम का सैनिटरी पैड है जो कि मैंने
खरीदा नहीं है, ब्रांड के तरफ से ही आया है यूज करने के लिए। उनका रिव्यू वगैरह उन्होंने लिखने के लिए कुछ नहीं बोला है। उसके बाद ये पिलग्रिम का फ्रेंच रेंज का कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स आया है, एक रेड वाइन मास्क है और SPF 30 फेस क्रीम है। तो इसका रिव्यू मैं इंस्टाग्राम पे ही शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं लंच भी बना रही हूँ, तो आलू भुजिया मेरा बनाने का मन था, बट दाल चावल और चौराई की साग मिल गई थी, तो वो मैं बना ले रही हूँ फटाफट से। तो अच्छी लगती है, सिंपल खाने में मज़ा आता है। मुझे साग वगैरह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे मैं अपना सूटकेस जो भी है वो खाली कर रही हूँ, जो भी गंदे कपड़े उन्हें सेपरेट करूँगी। और ये करते करते मुझे ख्याल आया कि मैंने अपने देवरानी का जो पेटीकोट है वो ले आई हूँ मैं, क्योंकि उससे मैंने लिया था पहनने के लिए और ले आई हूँ। सो पता नहीं उसको ज़रूरत होगी तो वो क्या करेगी। सो यहाँ पे ये सारे कपड़े गंदे हैं। और ये जो लहंगा है ना, इसका नीचे इतना गंदा हो गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा था और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो ये सब ड्राई क्लीन में दे दूँगी। और जो सही है, जो अच्छे धुले कपड़े हैं, उन्हें मैं कबर्ड में रख दूँगी। उसके बाद ये दोनों ही बैग मैंने धूप में निकाल दिए हैं ताकि ये सन सैनिटाइज हो जाए, और उसके बाद फिर इसे कबर्ड में बेड के नीचे रख दूँगी। और यहाँ पे है रितविन, पता नहीं क्या कर रहा है मोबाइल पे। एंड ये भी पूरा टैन हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, तो दिन भर छत पे ही था ये। और ये देखिए दाल बन गई है, अब इसे छौंका लगाएंगे और हमारा जो लंच है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताना, क्या आपके भी बच्चे दादी के घर नानी के घर जाने के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, बस मस्ती मोड में रहते हैं? क्योंकि रितविन ने मुश्किल से 1-1.5 दिन पढ़ाई की होगी, उसके बाद उसका सारा होमवर्क वगैरह पेंडिंग है। मैं लेके गई थी कि वहाँ पे मैं उसे कराऊंगी, बट वो बैठा ही नहीं पढ़ने के लिए। 1-2 दिन मैंने जैसे भी करके उसे बैठाया था, बट उसकी वजह से ना अभी उसका सारा होमवर्क पेंडिंग है। और कल से स्कूल है, कल से उसे रिजॉइन करना है, तो सारा आज बैठ के मैं यहाँ पे उसे पढ़ा रही हूँ, सारे सब्जेक्ट का होमवर्क पेंडिंग है। तो आपके भी बच्चे ऐसा करते हैं कि ज़रूर मुझे बताइएगा। हम लोग तो जब भी नानी दादी घर जाते थे तो होमवर्क लेके जाते थे और वहाँ पे करते थे, मतलब जब हम थोड़े बड़े क्लास में थे तब, इतने छोटे का तो मुझे याद नहीं है। सो अभी मैं आपको सुबह मिल रही हूँ, कल उसको होमवर्क वगैरह करा के हम डिनर करके सो गए थे, कि ऑब्वियसली हम थक गए थे यार, मतलब ट्रेन में आप जितना भी सो, घर पे बेड में जो नींद आती है ना वो और कहीं नहीं आती है। सो अभी सुबह का टाइम है और मुझे स्कूल भी जाना है, रितविन को भी स्कूल भेजना है और इनकी भी ड्यूटी है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ सुबह का कुकिंग करने में, और मैं बना रही हूँ आलू एंड ये जो आप क्या बोलते हैं इसे, स्प्रिंग अनियन। सो इसका फ्राई मैं बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये भी। एंड इसके साथ मैं बनाऊँगी पराठे। तो यही है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, और अभी ये सब बना के मैं रख दूँगी, और जो दोपहर का खाना है मैं वो आने के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि अभी ना सुबह सुबह, मतलब आज पहला दिन है ना रिजॉइन का, तो बहुत ही स्लो स्लो में चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे लेट से उठने की आदत हो गई थी 6:30-7 बजे, और आज फिर से 5 बजे उठी हूँ। सो चलिए पहले ब्रेकफास्ट बना लें। सो हम लोग स्कूल चले गए थे एंड वहाँ से आते टाइम मैं ये कुछ सामान लेके आई थी, क्योंकि ये सब चीज़ें घर पे ख़त्म हो गई थी, और तेल, पोहा और दाल वगैरह के बिना काम चलता नहीं है, दाल तो बनता ही है डेली, सूजी, ये चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो ये मैं साथ में लेके आई थी। और ये वाला और जो सरसों का तेल है फॉर्च्यून का, वही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे रिफाइंड में खाना बिल्कुल ही नहीं पसंद है। तो चलिए इसे कंटेनर में भर लेते हैं।
7:30 बज चुके हैं एंड मुझे ना जल्दी जल्दी में सुबह जाना पड़ा तो मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाई। फिर शाम को भी कहीं पे इनविटेशन था तो वहां पे जाना पड़ा जो कि मेरे दिमाग से निकल गया था। और ये जो सूट है ये बाहर ही पड़ा था तो मैंने सोचा यही पहन के चले जाते हैं। एंड अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ वहां से मैं क्या क्या लेके आई हूँ। मतलब मैं ये टांडा से लेके आई हूँ अपने ससुराल से शॉपिंग करके। ये देखे इतने सारे बैंगल्स, वहां बैंगल्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं बट प्रॉब्लम ये था कि साइज बहुत ही लिमिटेड साइज था। मतलब 2-6 से ज्यादा साइज मिल ही नहीं रहा था। मेरी जो 12 साइज है वो 2-6, 2-4 मुझे आ जाती है बट मुझे थोड़ा बहुत चाहिए था कि थोड़ा पीछे तक जाए क्योंकि जो 2-8 लेते हैं ना तो वो इतना अगर आपको पहना हो चूड़ी तो ये वाला साइज थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है तो बट वो मिल नहीं रहा था। सो बाकी मैं ये लेके आई हूं और ये वाली जो चूड़ी आप देख रहे हो ना, ये वाली जो आप बैंगल्स देख रहे हो ना, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है अभी। मैं दिखाती हूँ आपको और मेरे फेस पे मेकअप है तो बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है। एंड ये वाले जो बैंगल्स है ना अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि आप देखोगे इंस्टाग्राम वगैरह खोलोगे ना तो आपको यही दिखेगा, ये वेलवेटी वाले बैंगल्स कलरफुल कलर कलर के सब लोग पहन रहे हैं मैच करके। सो ये मैं लेके आई हूँ एक। मुझे ऐसा अभी फील हो रहा है कि इसमें और भी कलर्स ले लेना चाहिए था, उस टाइम मैं सोच नहीं पाई उतना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है आजकल ये वेलवेट वाले बैंगल्स। ये मेरा फेवरेट है, लुक एट दी डिजाइन गाइज। मतलब इसमें सारा कलर है, आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो, येलो रेड पिंक ग्रीन जो कि मैक्सिमम आपके इंडियन वेयर में होता ही होता है। सो ये बहुत ही अच्छा बैंगल है। इधर पर्ल का काम किया हुआ है तो मुझे जो पर्ल का काम किया हुआ ज्वेलरी वगैरह होते हैं ना, चाहे वो नेक पीस हो इयररिंग्स हो, पर्ल्स के काम जिसमें होते हैं मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। तो नेक्स्ट ये वाला बैंगल है। नेक्स्ट जो बैंगल मैंने लिया है ना वो अगेन पर्ल में है बट ये पतले वाले 4 बैंगल्स हैं जो आगे पीछे ऐसे आप लगा सकते हो या फिर एक साथ एक हाथ पे भी इसे पहन सकते हो। सो आप आई होप आपको दिख रहा होगा। सो ये देखिए ये भी काफी खूबसूरत है, व्हाइट कलर के पर्ल्स है एंड गोल्डन कलर का जो इसमें नग है वो दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये भी जो मैं लेके आई हूँ वो है ये अगेन पर्ल के काम में है एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बैंगल है। आप देख सकते हो किसी भी इंडियन आउटफिट को एम्प अप करने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत है। आई होप यू कैन सी, कैमरा में पता नहीं कैसा दिख रहा है बट रियल में ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसका ना मैंने रिंग वगैरह भी देखा है अमेजोन में तो मैं देखूंगी इसका पूरा, मैं सेट बना लूंगी रिंग एंड बैंगल्स का। जो नेक्स्ट बैंगल है वो भी मल्टी कलर में है, ये देखिए कितना खूबसूरत है। आप इसे एक एक भी एक एक हाथ में पहन लो ना तो कितना अच्छा लगेगा, आप देख सकते हो। ये भी मल्टी कलर है तो आप किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू वगैरह इसमें है जो इंडियन आउटफिट में होते ही होते हैं। नेक्स्ट ये वाले बैंगल्स है जो कि अगेन पर्ल में है, पिंक पर्ल में है और ये मैंने एंगेजमेंट में भी कैरी किया था। सो आपने देखा होगा, अगर आपने मेरा ससुराल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। एंड ये भी मुझे काफी अच्छा लगा, ये 4 का सेट मैंने लिया था। स्वेट बट ग्लो भी कर रहा है स्किन क्योंकि अभी मेरी स्किन काफी अच्छी हो रखी है। स्किन केयर वगैरह में बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। सो यस गाइस, ये व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कल मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक नया व्लॉग नेक्स्ट। अभी घर पे बहुत कुछ करना है क्योंकि दिवाली आने वाली है, दिवाली की सफाई जो मेन है वो करना है। सो देखते हैं कैसे टाइम मिलता है काम और ये सबसे फुर्सत पाके दिवाली की सफाई तो करनी ही करनी है एंड वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो यस, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही और रूटीन वीडियोस देखने के लिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, कहीं पे भी कोई भी पार्ट बैंगल्स पसंद आए हो या फिर कुछ और पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। और अभी मैं ये पहन के ट्राई कर रही थी कि कैसा लग रहा है। एंड यस, सी यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग गाइस, टिल देन बाय।